बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्यूअर्स, बुक की एग्जांपल नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 12 पे है। इफ एक्स डी इज अ मैट्रिक्स स्पेस, देन शो दैट डी वन एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस डी एक्स वाई इज आल्सो अ मैट्रिक ऑन एक्स, इज आल्सो अ मैट्रिक ऑन एक्स। सबसे पहला काम क्या है कि आपको ये समझना है कि क्वेश्चन दिया क्या और करना क्या। क्या दिया आपको, यानी आपको एक्स डी मैट्रिक स्पेस दी हुई है और आपने साबित करना है, साबित आपने क्या करना है कि एक्स डी वन, यानी गिवन क्या है, एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस, और प्रूव क्या करना है, एक्स डी वन इज अ मैट्रिक। सबसे पहले तो आपको दो चीज़ों का, जो भी प्रॉब्लम आपके पास है, कोई भी टॉपिक आप कर रहे हैं, सबसे पहले तो दो चीज़ें आपने आइसोलेट करनी हैं, अलग अलग करनी है कि आपको गिवन क्या है और आपने करना क्या है। गिवन है एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस और साबित करना है कि एक्स डी वन इज अ मैट्रिक स्पेस। अब ज़रा आप मुझे बताएं कि कैसे कर सकते हैं, यानी एक्चुअली जब आपने एक्स डी वन को मैट्रिक स्पेस साबित करना है, एक्चुअली आपने क्या करना है, डी वन को मैट्रिक साबित करना, मैट्रिक के जो चार एक्सियम्स हैं देखने हैं कि क्या वो डी वन उनको सेटिस्फाई करती है। अब वो चार एक्सियम्स डी वन के लिए सेटिस्फाई करने के लिए जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये है कि डी वन एक्स वाई इसके बराबर है। किसके बराबर है, डी एक्स वाई और वन प्लस डी एक्स वाई। अच्छा, पहला एक्सियम मैंने प्रूव, क्या प्रूव करना है पता कुछ, क्या प्रूव करना है, डी वन एक्स वाई शाबाश, क्या प्रूव करना है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये मैंने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा तो ये प्रूव हो जाएगा, बताएं शाबाश जी, इक्वेशन लिखो। मेरा सवाल सुन लिया आपने सब, आप सबको पता है कि मैं अब जा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन का समझ आ गया कि मैं अब जा रहा हूँ डी वन को मैट्रिक साबित करने के लिए। डी वन को मैट्रिक साबित करने के लिए चार कंडीशन साबित करनी है डी वन के ऊपर, उनमें से पहली कंडीशन ये है जो मैंने ये साबित करी। इसको साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आपके सामने सवाल लिखा हो, क्या चीज़ मैं साबित कर दूँगा तो ये चीज़ साबित हो जाएगी। अच्छा, जो हमने मैट्रिक स्पेस की पहली एग्जांपल की थी, मैं ज़रा बता दूं आपको, यूजुअल मैट्रिक की क्या था, डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड, इसको हमने मैट्रिक स्पेस साबित किया था पहले लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर था उसमें ये साबित किया था। क्या किया था उसके साथ, डी के ऊपर चार कंडीशन सेटिस्फाई की थी, वहाँ हमने क्या साबित किया था, डी एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, कैसे किया था, क्या क्या कह रही है, रख के अगर करोगे तो फिर तो प्रूव तो कुछ नहीं किया, आपने तो प्रूव करना है। मेरा ये सवाल अब चेंज हो गया, मैं अब उसकी तरफ नहीं जा रहा, वो तो अभी करवाना है ना, मैंने जो आपको करवाया हुआ है मैं वो पूछ रहा हूँ कि जब मैंने ये डी एक्स वाई एग्जाम्पल कराई थी, डी एक्स वाई एक्स माइनस वाई मॉड, तो मैंने इसको डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए साबित करना था कि ये डी मैट्रिक है, तो मैंने चार एग्जाम्स प्रूव किए थे, एम वन कैसे किया, शाबाश, देखें अब आप देखें, आप अपना गौर करें कि आप अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, अगर आपको मैट्रिक स्पेस नहीं आई ये किताब, तो फिर आपको ना टोपोलॉजी आनी है, ना रियल एनालिसिस आना है, ना आगे कुछ आपको कंसेप्चुअल चीज़ आनी। आप इंटरलिंक करें कि किस तरह आर्गुमेंट बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं, वरना तो सॉल्व की हुई है। सॉल्यूशन की बात अगर करूँ तो जैसे मैंने पहले बताया कि 1991 में किताब पब्लिश हुई थी मेरी,
और ये मैंने सारी सॉल्व करके लिखी थी, कोई अनसॉल्व प्रॉब्लम नहीं था उस वक्त, अब भी नहीं है। तो आई थॉट के अब जो मैंने कर दिया है या सारा कुछ ही तो सॉल्व कर दिया, अब क्या प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम अभी भी रही, क्योंकि स्टार्ट का नहीं पता चल रहा आपको करना क्या है। देखें मैं आपको याद कराऊं कि डी एक्स वाई को ग्रेटर इक्वल टू जीरो साबित किसकी वजह से किया था, इसकी वजह से किया था जिसके वो बराबर है। डी एक्स वाई को जीरो साबित ग्रेटर इक्वल टू जीरो साबित करने के लिए हमने ये देखा था कि क्या एक्स माइनस वाई वॉट ग्रेटर इक्वल टू जीरो है कि नहीं। वो हमें आर्गूमेंट हमारे पास ऑलरेडी था कि किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस लिया जाए तो वो या जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। ये हमारे पास आर्गूमेंट हमारी पास ऑलरेडी मौजूद था, जिसकी वजह से हमने कहा था कि चूंकि एक्स माइनस वाई मॉड ग्रेटर इक्वल टू जीरो है और ये इसके बराबर है, लिहाजा डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। अभी तो लास्ट लेक्चर की बात है, जो अभी तक आप इसका जवाब नहीं दे सके। एग्जैक्टली यही करना है आपने, डी वन एक्स वाई को ग्रेटर इक्वल टू जीरो साबित करना है। तो अब आपने आर्गुमेंट तलाश करना है, यानी बेसिकली आपने इसको ग्रेटर इक्वल टू जीरो साबित करना है, इसको ग्रेटर इक्वल टू जीरो साबित करना है। अगर ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो साबित हो गया तो ये साबित हो जाएगा। डी एक्स वाई को ग्रेटर इक्वल टू जीरो साबित करने के लिए इसको ग्रेटर इक्वल टू साबित किया था, हालांकि इसको साबित नहीं किया था, आर्गुमेंट ही दिया था कि भाई हाँ ये तो है। अब आप बताएं, मैंने जवाब बता दिया आपको, क्या इसको आप ग्रेटर इक्वल टू साबित करेंगे या कोई आर्गुमेंट देंगे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आपको पता चल जाए कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, या आप प्रूव करेंगे। एक नहीं, एक मेरे पहले मुकम्मल सुन ले बात, दो चीज़ें हैं ना, या तो इसको ग्रेटर इक्वल टू जीरो साबित करें या जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन की मदद से आप आर्गुमेंट दें कि ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। जैसे यहाँ पे आपने एक्स माइनस वाई मॉड को ग्रेटर इक्वल टू जीरो साबित नहीं किया, आपके पास पहले से पहले एस्टेब्लिश आर्गुमेंट है जिसको आपने अप्लाई किया। अब बताएं डी एक्स वाई ये जो चीज़ है, मोबाइल बंद करें, क्लास में मोबाइल बंद करें, ये मोबाइल तो लेके बैठ गए आप इस वक्त, तो आप मेरे सवालों के जवाब अपने दिमाग से दें। अगर आपको आते हैं, नहीं आते तो कोई बात नहीं, ना आना कोई बुराई नहीं, मत समझे कि मुझे नहीं आ रहा था पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं आता, सारी चीज़ें हमें भी नहीं आती। मुझे कुछ चीज़ केमिस्ट्री की पूछो तो मैं तो साफ जवाब दूंगा मुझे नहीं पता, मुझे कुछ इवन मैथ का भी बहुत कुछ मुझे नहीं पता। तो ये नहीं बात, जो इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन आपकी है वो इस बात में होनी चाहिए कि मैं जो पूछ रहा हूँ क्या उसका जवाब आप बेशक गलत दें मुझे, ताकि मैं उसको करेक्ट करूं आप। तो इधर उधर देखें, बताएं जी दो फर्क है इस चीज़ को, या तो आप ग्रेटर इक्वल टू जीरो साबित करें या आप आर्गुमेंट दें कि ये है। अब बताएं ठीक हो गया, जीरो तो हो गया, चलो अगला बात, ग्रेटर देन जीरो कैसे साबित करेंगे। जी बेटा आर्गुमेंट कौन सा है बताओ, शाबाश। इधर तो मेरे पास आर्गुमेंट था कि दो रियल नंबर्स के डिफरेंस का मॉड हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया। उधर आपके पास क्या आर्गुमेंट है, माइनस वन क्यों नहीं पुट कर सकते। मेरा मतलब ये है कि आप ये तो आपको पहले से अगर वो दिया हुआ हो तब ना करें आप, अगर आपको उसने पहले से ही बता दिया हुआ है कि ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो है तब आप डिनोमिनेटर में जीरो ना लाएं। ये तो आप प्रूव करने जा रहे हैं, ये तो आप प्रूव करना चाहते हैं कि ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, तो जो चीज़ प्रूव करना चाहते हैं उसको आप इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। बट आप बताओ, कुछ समझ नहीं आ रही, यकीनन नहीं आ रही हो, नहीं क्वेश्चन फिर रिपीट करूं, रिपीट वैसे करता जाता हूं, पर शाम को जाके वीडियो भी बार बार देखना।
इसको या तो ग्रेटर इक्वल टू जीरो साबित करना है, क्योंकि अगर इसको ग्रेटर इक्वल टू जीरो साबित कर देंगे तो ये हो जाएगा जो हमारा मसला है। या तो इसको ग्रेटर इक्वल टू जीरो साबित करना है या मुझे सॉलिड रीजन बताएं कि ये है। आज चाहे शाम हो जाए इधर, ये आपने मुझे बताना है, या तो प्रूव करना है तो या आपने बताना है। आर्गुमेंट कोई नहीं है जी, कौन सा आर्गुमेंट बताएं? शाबाश। हाँ आप देखा ना, ये देखो ना, ये समझ, ये है ना, इसको अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया। वो कह रहा है कि एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस है, तो अब इस तरह के इस्तेमाल भी करो। करो क्या कर लिया, एड्डा सौखा नहीं काम। कौन लेसर तो निकल टू जीरो होगा, और हमेशा ही उल्टा कहती है। हाँ जी, अब कुछ दोनों ने मिलजुल के बात कोई बनाई है, उधर तो अल्लाह की मेहरबान तबीयत साफ है सारे की। यही वजह है कि बॉयज़ कॉलेज में ये बैठी हुई हैं गर्ल्स। तड़ा खाना खराब होया हुआ है बॉयज़ का, पढ़ते ही नहीं तुसी, तड़ी शक्ल में दहाना नहीं ठहर। सुने अब क्या है, अब आपने ये कहना है सिंस ये जो वो कह रहा है ना एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस है, तो एक्चुअली वो ये कह रहा है कि डी मैट्रिक है। वो कहता है सिंस डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स, सो डी एक्स वाई जो है ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा। जब वो कह रहा है कि एक्स डी मैट्रिक स्पेस है तो इसका मतलब डी मैट्रिक है। तो डी मैट्रिक है तो डी चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। चारों कंडीशन में पहली डी की कंडीशन ये है, तो डी एक्स वाई क्या है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। समझ आई? ये आया उस आर्गुमेंट से। तो जो मैं आपको बता रहा था, चूंकि डी मैट्रिक है तो डी जो है वो तो मैट्रिक स्पेस के सारे एक्सियम सेटिस्फाई कर रही होगी, तो मैट्रिक का पहला एक्सियम ये डी एक्स वाई जो है ग्रेटर इक्वल टू जीरो लाजमी होगा। अगर ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो है तो इसको डिवाइड कराया जाए वन प्लस डी एक्स वाई से, तो क्या ये अभी भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो रहेगा? उसका आर्गुमेंट देखें कैसे रहेगा। इसके बारे में क्या ऑप्शंस हैं, दो ही हैं, ये ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो है तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ वन प्लस ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो ओवर वन प्लस ज़ीरो, ज़ीरो ओवर वन, और वो भी ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ये ज़ीरो नहीं है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो यहाँ भी तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ग्रेटर देन ज़ीरो को आप वन में ऐड करके उससे डिवाइड कराएंगे तो ये सारी की सारी चीज़ जो है ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि अगर ये ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर ये भी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है। ये क्यों ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है? क्योंकि डी मैट्रिक है, डी मैट्रिक है तो मैट्रिक के चारों एग्जाम डी सेटिस्फाई कर रही है। अब अगर डी एक्स वाई ओवर वन प्लस डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर ये जिसके बराबर है वो भी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये किसके बराबर है? डेफिनेशन के मुताबिक ये बराबर है डी वन एक्स वाई के, तो ये ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो गिवन कंडीशन जो थी उसकी मदद से हमने मैट्रिक का पहला एक्सियम प्रूव कर लिया है डी वन के लिए। गिवन कंडीशन जो थी वो ये थी कि डी मैट्रिक है, डी मैट्रिक है तो डी बजाते खुद डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा, और डी एक्स वाई और वन प्लस डी एक्स वाई भी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा। जिसके ये बराबर है वो भी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो फर्स्ट एक्सियम हमने मैट्रिक का प्रूव कर लिया है फॉर डी वन। सेकेंड एक्सियम की तरफ चलते हैं एम टू। क्या करना होता है, आपने डी वन एक्स वाई आपने ज़ीरो के बराबर लेना है। जब डी वन एक्स वाई आप ज़ीरो के बराबर रखें लेंगे तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा डी एक्स वाई ओवर वन प्लस डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या रीज़न है? चूँकि डी वन एक्स वाई बराबर किसके है, वो डी एक्स वाई और वन प्लस डी एक्स वाई के बराबर है। अगर आपका ये ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो होगा। अच्छा, अब जो दूसरा काम मैं करता होता हूँ वो ये कि अगर मैं ये लूँ
डी एक्स वाई ओवर 1 प्लस डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या ये नहीं इम्प्लाई करेगा डी वन एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो? ये करेगा, यानी मैंने तो ये लिया ज़ीरो तो ये ज़ीरो हो गया, इसका मतलब है। और वहाँ से मैंने बताया आपको कि अगर मैं ये ज़ीरो लूँगा तो ये भी ज़ीरो होगा, तो बजाय इसके कि हम ये वाला स्टेप यहाँ करें, हम यहाँ पे कन्वर्सली इम्प्लाई डाल देते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, हमें दो स्टेप्स नहीं करने पड़े, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब डी एक्स वाई ज़ीरो होगा तो ये इम्प्लाई करेगा डी एक्स वाई ओवर वन प्लस डी एक्स वाई इक्वल ज़ीरो, और अगर डी एक्स वाई ओवर वन प्लस डी एक्स वाई ज़ीरो है तो वो इम्प्लाई करेगा डी वन एक्स वाई इक्वल ज़ीरो, यानी हमें दो स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे कन्वर्सली इम्प्लाई के लिए। तो चूँकि हमारा आर्गूमेंट वैलिड है इसलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। अच्छा, अब ज़रा बताएँ इसका क्या मतलब है, जब ये ज़ीरो है तो ऑब्वियसली आपका डिनोमिनेटर जो है वो तो पॉजिटिव है, ठीक है, वो तो आप फिर क्या होना क्या है, ये कन्वर्सली इम्प्लाई क्या करता है, ये उधर जाके ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये कन्वर्सली इम्प्लाई क्या करता है डी एक्स वाई इज इक्वल ज़ीरो। अब डी एक्स वाई अगर ज़ीरो है तो कीप इन माइंड कि डी मेट्रिक है, तो ये क्या कन्वर्सली इम्प्लाई करेगा, एक्स इज इक्वल टू वाई। ये किस वजह से, ये रीज़न क्या है, सिंस डी इज मेट्रिक, मेट्रिक हमने डी वन को साबित करना है, डी तो पहले से मेट्रिक है, तो इसका मतलब हुआ कि इस आर्गुमेंट की वजह से जब हमने डी एक्स वाई ज़ीरो के इक्वल लिया तो कन्वर्सली इम्प्लाई करके एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, तो सेकेंड एक्जियम भी आपका प्रूफ हो गया डी वन के लिए। नाउ फॉर द थर्ड एक्जियम, जी क्या था थर्ड एक्जियम आपका, आप लेते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी डी वन एक्स वाई किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो है डी एक्स वाई ओवर वन प्लस डी वाई एक्स, ठीक होगी बात, ये डेफिनेशन है। क्या हम इसको डी वाई एक्स लिख सकते हैं ओवर वन प्लस डी वाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं? इसकी फिर वही वजह है कि डी मेट्रिक है, आप लिख सकते हैं, आप कहेंगे सिंस डी इज मेट्रिक सो डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, चूँकि इट इज़ गिवन दैट डी इज मेट्रिक देयर फॉर डी एक्स वाई शुड बी इक्वल टू डी वाई एक्स, तो देयर फॉर आपने इस डी एक्स वाई को डी वाई एक्स के बराबर लिख दिया। इस डी ये ऊपर ज़रा ठीक करें, ये भी डी एक्स वाई ही था, डेफिनेशन तो ये है ना, जब आपने डी वन एक्स वाई लिया तो उसकी क्या डेफिनेशन है, दैट इज इक्वल टू डी एक्स वाई और वन प्लस डी एक्स वाई। अब चूंकि ये मेट्रिक है डी, तो डी एक्स वाई लिखा जा सकता है डी वाई एक्स, ये भी डी एक्स वाई लिखा जा सकता है डी वाई एक्स। जैसे ही आपने इसको चेंज किया तो ये किसके इक्वल बन गया, अब ये किसके इक्वल बन गया डी वन वाई एक्स, तो दिस वॉज द थर्ड एक्जियम। थर्ड एक्जियम तक तो ऐसी परेशानी नहीं है, और मैंने शुरू में जैसे आपको बताया कि जब आपने मेट्रिक साबित करनी है, किसी चीज़ को मेट्रिक साबित करना है, तो देखा जाएगा कि गिवन कंडीशन क्या है, उस गिवन कंडीशन की मदद से हम उसको मेट्रिक साबित करेंगे। यहाँ पे गिवन कंडीशन थी डी मेट्रिक है, उसकी मदद से हम डी वन को मेट्रिक साबित कर रहे हैं। फाइनली हमारे जो फोर्थ प्रॉपर्टी रह गई है, जो फोर्थ इसका एक्जियम है मेट्रिक का, वो ज़रा देखें ज़रा एम फोर, उसमें आपने डी वन एक्स जेड लेसर आर इक्वल टू साबित करना है डी वन एक्स वाई प्लस, ठीक है, डी वन एक्स वाई प्लस डी वन वाई जेड। उसके लिए ज़रा देखें आर्गुमेंट, फिर वहीं से आप स्टार्ट करेंगे, चूँकि डी मेट्रिक है, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस डी इज मेट्रिक सो, अगर डी मेट्रिक है तो फोर्थ एक्जियम इसके ऊपर सेटिस्फाई हो रहा होगा, आप लिख सकते हैं डी एक्स जेड लेसर आर इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है इसकी, ठीक है। अब मसला हमारा ये है कि हमने ये फॉर्म बनानी है, इससे ये फॉर्म बनाने के लिए अगर आप दोनों तरफ वन ऐड करें, वन डी एक्स जेड
लेसर आर इक्वल टू वन प्लस, दोनों तरफ ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस डी वाई जेड। पहला स्टेप तो आपने ये कर दिया, डी ये आपके डी की मैट्रिक की प्रॉपर्टी थी, उसमें आपने दोनों तरफ वन ऐड कर दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या इसके नेगेटिव होने का कोई चांस है? डी मैट्रिक है, डी का नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं। डी मैट्रिक का पहला एग्जिम क्या है? डी एक्स वाई या डी एक्स जेड इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये तो नेगेटिव नहीं है, वन ऐड करके नेगेटिव नहीं बनना। ये जो राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी है क्या इसके नेगेटिव होने का चांस है? नो, क्यों नहीं है? डी एक्स वाई जो है ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, डी वाई जेड ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, वन ऐड करके भी क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू जीरो रहेगा। तो ये जो इनक्वालिटी है इसके दोनों तरफ जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो क्या हैं? पॉजिटिव या कम अज़ कम नॉन नेगेटिव। अगर आप रेसिप्रोकल लें इनका क्या बनेगा? यानी आप इसको फिर ऐसे लिख, इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड लेसर आर इक्वल टू वन ओवर वन प्लस क्या है डी डी एक्स जेड, यही है ना। इस आम तौर पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनक्वालिटी में नहीं करते क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिकली आप डिवाइड कर रहे होते हैं, इस सारे चीज़ से आपने सारी इनक्वालिटी को डिवाइड किया है, इससे डिवाइड किया तो ये यहाँ से कट के सिर्फ ये रह गया, इससे डिवाइड किया तो ये यहाँ से कट के ये रह गया। तो डिवीजन यहाँ पे कर सकते थे हम चूँकि ये नॉन नेगेटिव थी, इनक्वालिटी का साइन चेंज किए बगैर। इसकी मिसाल मैं बता देता हूँ आपको कि आपका जो है फ़र्ज करें यहाँ पे x लेसर देन y पहले से मौजूद है, x लेसर इक्वल टू y है, जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, फ़र्ज़ करें आप 2 से इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये ऐसे इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप नेगेटिव से करेंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए डिवीजन करने डिवाइड करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पहले इंश्योर करना होता है, इनक्वालिटी के केस में अगर इनक्वालिटी हो तो हमें इंश्योर करना होता है कि जिससे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो इंश्योर कर लिया था हम कि ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, इससे हमने पूरे को डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये आ गया जो इन वेरी शॉर्ट लगता है जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, इनफैक्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं की। नेक्स्ट जो स्टेप है, अब आप इसमें जो वन आप जो अगला स्टेप है इसको उठा के इधर लें तो क्या होगा? माइनस वन ओवर वन प्लस डी एक्स जेड लेसर आर इक्वल टू माइनस वन ओवर वन प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ये क्या किए हैं? इनक्वालिटी में आप उसको उधर ले आए उसको उधर ले जाएं तो सिर्फ उनके साइन चेंज होते हैं, इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, इसमें आपने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं की, ठीक है। तो अगला काम जो है दोनों तरफ आप वन ऐड करें, वन ओवर वन प्लस डी एक्स जेड लेसर इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस वन प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसकी ज़रा लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी आप सिंपलीफिकेशन कर लें तो क्या आएगा? यहाँ पे ये आ जाएगा वन प्लस डी एक्स जेड इधर वन प्लस डी एक्स जेड माइनस वन, यहाँ क्या आएगा? वन प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें वन प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड माइनस वन। आप बड़े गौर से देखें लेफ्ट हैंड साइड में वो फॉर्म बन गई है जो हमें चाहिए थी, ये बन गया डी एक्स जेड डिवाइडेड बाई वन प्लस डी एक्स जेड लेसर आर इक्वल टू, ये वन और माइनस वन कैंसिल हो गया,
क्या रह गया आपके पास, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड डिवाइडेड बाई वन प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। लेफ्ट हैंड साइड मुझे आप बता सकते हैं क्या बन गई है, बताएंगे? डी वन एक्स जेड बन गई है। कीप दिस डेफिनेशन माइंड, डी वन एक्स वाई किसके इक्वल है, डी एक्स वाई और वन प्लस डी एक्स वाई। तो डी एक्स जेड और वन प्लस डी एक्स जेड किस कर बन जाएगा, डी वन एक्स जेड। ये आ जाएगा लेसर आर इक्वल टू, इसको मैं सेपरेट कर लूँ अगर, डी एक्स वाई ओवर वन प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, ठीक है जी। इधर फिर डी वाई जेड ओवर वन प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, ठीक है। अब बड़े गौर से देखें, यहाँ तो बड़े आसानी से बन गया था वो फॉर्मेट, यहाँ तो बड़ा आसानी थी, डी एक्स जेड ओवर वन प्लस डी एक्स जेड बन गया, मैंने फौरी तौर पे लिख दिया डी वन एक्स जेड। यहाँ मसला बन गया, अब क्या मसला बन गया है, यहाँ मेरा मेरे पास आना क्या चाहिए, डी वन एक्स वाई आना चाहिए इस सारे की जगह। डी वन एक्स वाई किसके बराबर है, डी एक्स वाई ओवर वन प्लस डी एक्स वाई। ये चीज़ मेरे पास फालतू है, ये अनवांटेड आ गई है, ये ना हो तो मैं डी वन एक्स वाई लिख दूँ। इधर क्या है, डी वाई जेड ओवर वन प्लस डी वाई जेड, इसमें ये चीज़ फालतू है, ये ना हो तो मैं लिख दूँ, बताएं क्या करूँ अब मैं इसको, यहाँ से कैसे हटाऊँ। जी हाँ बोलो बोलो बोलो, शाबाश, क्या सवाल समझ आ गया आपको, मेरे पास यहाँ पे ये अनवांटेड चीज़ है इसको हटाना है, और वहाँ से ये अनवांटेड चीज़ है इसको हटाना है। अच्छा चलें, मैं आपसे आपको ज़रा आसान कर देता हूँ, एक मिनट मैं आसान कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ डी एक्स वाई ओवर वन प्लस डी एक्स वाई, इसमें और इसमें क्या फ़र्क आया है, डिनोमिनेटर मैंने ये हटा दिया, मुझे ये बताएं कि ये जो फैक्टर था ये, इसका डिनोमिनेटर बढ़ा है या इसका बढ़ा है, जो चीज़ मैंने हटाई है वो मुझे पक्का पता है कि नॉन नेगेटिव है। क्या चीज़ हटाई है मैंने, डी वाई जेड, डी वाई जेड का मुझे पक्का पता है कि वो नेगेटिव नहीं है, या पॉजिटिव है या ज़ीरो है, तो जो चीज़ मैंने हटाई थी वो नॉन नेगेटिव थी। डिनोमिनेटर से अगर आपने नॉन नेगेटिव चीज़ हटाई तो जो नई फ्रैक्शन आई है उसका डिनोमिनेटर बढ़ गया या छोटा हो गया, छोटा हो गया, ये डिनोमिनेटर बढ़ा है, ये डिनोमिनेटर बढ़ा है, इसको हटाने से इसका डिनोमिनेटर छोटा हो गया, जब डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है। इसको तो अभी छोड़ें, इसका तो हम कंपेरिजन ही अभी कर रहे हैं, सिर्फ इसके साथ इफेक्ट क्या होगा, इसके साथ क्या इफेक्ट होगा, ये बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर आप कह रहे हैं छोटा कर दिया आपने, फ्रैक्शन बढ़ जाएगी। अच्छा अब ये भी हो सकता है कि जो चीज़ आपने हटाई है वो हो ही ज़ीरो, ये तो चांस है ना, तो फिर इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, तो फिर उस सूरत में क्या आएगा, इक्वालिटी आएगी, ज़्यादा इक्वालिटी का चांस भी रहेगा, चूँकि डी एक्स जेड के बारे में गारंटी नहीं है कि वो पॉजिटिव है, इसके बारे में एक गारंटी है कि नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो फिर दो चीज़ें हैं, या वो ज़ीरो है या वो ज़ीरो से बड़ा है, ज़ीरो से बड़ा हो तो ये जो आई है ये इससे बढ़ जाएगी, अगर वो ज़ीरो है तो ये उसके बराबर ही रहेगी। चूँकि हमें नहीं पता कि वो क्या है, लिहाजा हम डाउट वाला सीन रहने देंगे और इन इक्वालिटी रिड्यूस करा देंगे। एग्जैक्टली अब आपको ये भी समझ आ गया होगा, जैसे मैंने यहाँ से ये अनवांटेड हटा दिया है, आर्गूमेंट आपके सामने पेश कर दिया है, इसी तरह आप इसमें से भी वो हटा दें तो आपके पास क्या रह जाएगा, डी वाई जेड ओवर वन प्लस डी वाई जेड। अब होपफुली आपको पता चल गया होगा ये किसके इक्वल है, ये डी वन एक्स वाई, और वो किसके इक्वल है, डी वन वाई जेड। यानी अब मैं ये लिख दूँ ना, डी वन एक्स जेड इज़ लेसर आर इक्वल टू
डी वन एक्स वाई प्लस डी वन वाई जेड, तो क्या सारे एक्सियम्स प्रूफ हो गए? मैट्रिक के जो चार एक्सियम्स थे सारे के सारे हमने सेटिस्फाई कर दिए, तो डी वन मैट्रिक होगी। तो अब आप ये कह सकते हैं दिस शोज दैट डी वन इज अ मैट्रिक ऑन एक्स। तो अभी तक जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, दो तीन एग्जांपल जो हमने की हैं, उसमें हमने क्या किया है कि जो वो डेफिनेशन देता है, जो कंडीशन देता है, उस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने मैट्रिक की चार कंडीशंस प्रूव की, और चार कंडीशन प्रूव करने के बाद हमारी मैट्रिक जो है वो साबित हो जाती है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।